ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোৰে প্ৰতি মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰামদেৱ মহাৰাজজী, বালাকৃষ্ণজী আৰু আজি ইয়াত উপস্থিত থকা পতঞ্জলী কাষ্টৰ সৈতে জড়িত থকা সকলো পৰম শ্ৰদ্ধাৰ বিষয়াসকল, মই আসাম কি জনতা কি তৰফ সে সবসে পহলে রামদেৱ মহাৰাজ জী কো প্ৰণাম দেতা হওঁ। উনহোনে হামারে জীবন ধন্য কিয়া হ্যা, ক্যোঁকি রামদেৱ জী ইহা যাব কদম রখে হ্যাঁ, উসকা মতলব হ্যা হম সবকো শক্তি ভক্তি জ্ঞান বৃদ্ধি বল প্রাপ্ত হুয়ে হ্যাঁ। তো আজি দিনো মে জো কার্যক্রম ইহা আপ লোগো কো মালুম হ্যা, জো ফুড পার্ক হার্বাল ये जो प्रतिष्ठान यहाँ बनने जा रहा है, इनके जरिए हमारे बेरोजगार नौजवानों को मौका मिलेगा, किसान भाइयों को भी मौका मिलेगा। ये हमारे लिए सबसे बड़ा औद्योगिक जगत के लिए ऐतिहासिक एक क्षण है और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद के लिए तो मैं फिक्र नहीं हूँ, क्योंकि मैं प्रणाम दे सकता हूँ रामदेव महाराज जी को, क्योंकि रामदेव महाराज जी ने इसके पहले भी आसाम आए और लोगों को अच्छी एक शांति के जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन दिया। तो तब से हमने जो रामदेव महाराज जी से हमें समर्थन मिला है, तो उसी समर्थन के वजह से आज मुझे भी आसाम की जनता की तरफ से सहयोग मिला है सरकार चलाने का। तो इसलिए अगले दिनों में हम एक साथ मिलकर काम करेंगे और हमारे यहाँ बाबू सुप्रिया जी है, हमारे माननीय सांसद हमारे आरती शर्मा जी है, हमारे हमारे और अजंता है यूनियन मिनिस्टर रेलवे, और हमारे सांसद कामाख्या प्रसाद प्रसाद जी है, हमारे मिनिस्टर पल्लव भूषण दास जी है, हमारे विधायक पद्मा हजरिका जी है, विधायक लिंबू जी है, आचार्य बालकृष्ण जी है, बाबू सुप्रिया जी, हमारे मंत्री प्रमिला बाई जो है आग्रामय जी है, और हमारे विधायक विद्यावन गोस्वामी जी है, और अरुणाचल के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, सबको हमारी तरफ से शुभकामना और बधाई देता हूँ। और आचार्य बालकृष्ण जी ने तो आगे दिनों के लिए बहुत काम करने के लिए मन बनाया है, तो ये शुरुआत है। असम की औद्योगिक जगत में और बहुत काम रामदेव महाराज जी का, हाँ, सो ये जो प्रकल्प है वो 100 दिन में इनका उत्पादन का काम शुरू होगा 99 दिन में, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा खबर है। तो सबको धन्यवाद देते हुए फिर से मैं प्रणाम देता हूँ। प्रणाम सदन आयुष, आप लोग बहुत कष्ट शिकार करे आज ये अनुष्ठान आयुष से, आप लोग जाने जे उद्योग प्रतिष्ठा हुआ लगे लगे आमार जितु जैविक क्षेत्र उद्योग प्रतिष्ठा कर যেটো সপোন আছে, এই সপোন পূৰা কৰাৰ নিমিত্তে এই উদ্যোগ লোৱা হৈছে। আৰু ৰামদেৱ মহাৰাজজীয়ে এই ক্ষেত্ৰত যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈছে, আমাৰ আচাৰ্য বালাকৃষ্ণজীয়ে যিবিলাক পদক্ষেপ লৈছে, তাৰ বাবে তেখেতসকলক আমি অসমৰ ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, এই উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ খেতিয়ক ৰাইজ বিশেষকৈ ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব, আৰু ইয়াৰ উপৰিও অসমৰ প্ৰাকৃতিক যিটো বাতাৱৰণ সেইটো সদায় বিশুদ্ধ হৈ থাকিব। কাৰণ এই উদ্যোগে প্ৰদূষণ সৃষ্টি নকৰে, এই উদ্যোগে বৰঞ্চ আমাৰ ইকনমিকেল বেলেন্সটো সুন্দৰভাৱে অটুট ৰাখিব, আৰু পৰিপুৰুষে যি শিক্ষা দিছে সেই শিক্ষাৰ আধাৰতে আমি এটা সুন্দৰ বিশুদ্ধ পৰিৱেশ জীয়াই ৰাখিবলৈ কাৰণে সক্ষম হ'ম। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে আমাৰ কৰ্মসংস্থাপন পাব, গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ। আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ চুবুৰীয়া গাঁৱত বসবাস কৰা এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আগন্তুকমান এই উদ্যোগৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকে আন্তৰিকতাৰ সমৰ্থন আগবঢ়াব, তাকে সকলোৰে প্ৰতি মই বিশেষ কামনা কৰিছোঁ। আৰু এই উদ্যোগটো আপোনালোকৰ নিজৰ উদ্যোগ হিচাপে আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব, এইটো আপোনালোকৰ নিজৰ উদ্যোগ হিচাপে আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে আগন্তুকমান সকলো ধৰণৰ আন্তৰিক পদক্ষেপ ল'ব, তাকে কামনা কৰি মই সকলোৰে প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিলোঁ। নমস্কাৰ। और मैं मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में दो तीन बात कहूंगा। श्रद्धे आचार्य बाक्षण जी, जो इस धरती पर भगवान ने विशेष सृजन करने के लिए ही भेजा है, हमारे लिए भगवान का वरदान जैसा, एक बार श्रद्धे आचार्य बाक्षण जी का भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन।
आचार्य जी ने बोला है, देखो हम और सर्वानंद जी तो आकर के पूजा और ये शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले, ये सब यहाँ धूल मिट्टी में मात्र 99 दिन में, माने 99 दिन के बाद 15 फरवरी को यहाँ पर इसका उद्घाटन हो जाएगा, 15 फरवरी को। और इसमें करीब 10 से 12 लाख मैट्रिक टन प्रोडक्शन होगा, करीब 20,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन यहाँ से होगा, 20,000 करोड़। माने जितना गवर्नमेंट का एक साल का बजट होता है करीब उसका 33% यहाँ से होगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, शायद इतना बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक असम में नहीं आया था। आज तक के असम के इतिहास का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और इससे 5,000 से ज्यादा युवक युवतियों को, मैंने बोला एक यूनिट में भाई और बहन दोनों काम करेंगे, इसलिए करीब 2-3 हजार बहनों को और 2-3 हजार युवाओं को दोनों को साथ साथ यहाँ पर रोजगार मिलेगा। और 1 लाख से ज्यादा किसानों को, किसान यदि यहाँ पर 100-200-500 करोड़ रुपए का भी अपना बहुत पेड़ खड़ा है इधर, तब जगह गिलोय लगा दो। गिलोय को क्या बोलते हैं? अमरलता लगा दो चारों तरफ पेड़ों के ऊपर, उससे आपको 500 से 1000 करोड़ रुपए तो आपको घर बैठे दे देंगे। 500 से 1000 करोड़ रुपए का खाली अमरलता अपने पेड़ों पर लगा सकते हैं, आपको कोई खेती नहीं चाहिए उसके लिए। आंवला लगाओ, एलोवेरा लगाओ, अश्वगंधा और सर्पगंधा, सफेद मुसली, सतावर, ब्राह्मी, सर्वपुष्पी, तुलसी, जितना भी आप जड़ी बूटियां लगाएंगे सबका खरीदने का गारंटी पतंजलि लेता। और जो आपने चावल लगा हुआ है, अभी ये चावल भी हम खरीदेंगे और इस चावल में से जो भूसी निकल जाता है उसमें से तेल निकलता है और राइस ब्रांड ऑयल भी खरीदेंगे। अभी बहुत लोगों का यहाँ से रिक्वेस्ट आ रहा है, वैसे हम चाय पीते नहीं कभी भी, सबका रिक्वेस्ट आ रहा है, बाबा जी हम लोग चाय बेचते हैं, चाय बनाते हैं, हमारा चाय को अच्छा मार्केट नहीं मिलता है, तो वो ब्लैक टी को हम नहीं करते हैं, लेकिन ग्रीन टी के ऊपर थोड़ा विचार जरूर करेंगे। कल से मेरे पास लगातार प्रस्ताव आ रहा है, तो ग्रीन टी जो है उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे, एक ग्रीन टी के ऊपर भी, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे लोग वो उसको कहीं पर बाजार नहीं है, कहीं पर आधार नहीं है, तो उनसे उपज लेकर के उनको भी एक अच्छा बाजार अच्छा आधार देंगे। और जितना यहाँ पर ये बांस का फर्नीचर बनता है उसको भी हम पूरे देश में गौरव और सम्मान दिलाएंगे, उससे भी हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये जो ये दूसरा था ना बेबू का कपड़ा है ना, कहाँ सबको छोड़ दिया था, एंडी एंडी, ओहो इतना जबरदस्त कपड़ा है, वो आचार्य जी तो पहले कुर्ता भी उसी का पहना करते थे, उसी का पतला वाला है, एंडी का ही थोड़ा वो है पतले वाला है, थोड़ा फैंसी है। तो ये रेशम इतना जबरदस्त होता है, तो आसाम का जितना भी उत्पाद है उसको पूरे देश में बाजार देंगे और यहाँ के हजारों लोगों को रोजगार देंगे। एक बड़ा खाली पतंजलि यही नहीं बनाएगा, जो भी पूरे असम में अलग अलग जगह बन रहा है उससे अलग पूरे देश में उसको गौरव दिलाना। और शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम, या हर एक जिले में एक एक जिले से इंस्टीट्यूशन पतंजलि की तरफ से खोला जाएगा, उसके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी से सहयोग लेंगे हर एक जिले में। और मुझे कल यहाँ के पत्रकार यहाँ खड़े हुए सामने हमारे गुवाहाटी वाले, बोले बाबा जी लोअर एजुकेशन में तो काम करो, यहाँ के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो एक हायर एजुकेशन का सेंटर भी यहाँ पर खोलेंगे आसाम के अंदर। तो खाली प्रोडक्शन ही नहीं बनाएंगे, प्रोडक्ट ही नहीं बनाएंगे, अच्छे आदमी भी बनाएंगे आसाम में, अच्छे आदमी, संस्कार युक्त आदमी। और
जिनके दिलों में जज्बा हो देश के लिए, गो सेवा का काम भी करेंगे। अभी हजारों गायों का सेवा का काम का भी शुरुआत हो गया है। हमारे हजरामा जी ने उसके लिए हजारों एकड़ जमीन दिया, इनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। अभी और गौशाला का, गो सेवा का काम, ऐसे ही निःशुल्क शिक्षा का काम, बहुत काम करना है। इस भूमि का हम पर बहुत ऋण है। मैंने बोला सरवन जी कि हमने 1993 में यहीं से अपना कर्म भूमि शुरू किया था, तो हमारा जन्म भूमि उत्तर भारत है और हमारा कर्म भूमि का शुरुआत असम से हुआ। इसलिए इस भूमि के हम पर बहुत उपकार है, बहुत बड़ा बड़ा काम करना है। उसकी मात्र ये शुरुआत हुई है, और शुरुआत जिसकी इतनी सुंदर हो वो लक्ष्य कहां तक आगे जाएगा, इसको आप आज ही सोच सकते हो। तो अभी हम नीचे यहाँ शिलान्यास के लिए जाएंगे, और श्रद्धे आचार्य जी, उनकी पूरी टीम, पूरे संगठन के कार्यकर्ता और भाइयों के अलावा हमारे बहनों का संगठन बहुत मजबूत है। और मैंने सुना है इधर भाई तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन भाइयों से भी ज्यादा अच्छी हमारी बहनें भी हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतनी निष्ठा, तो सबने बहुत काम किया। संघ से लेकर के जितने भी सामाजिक संगठन है उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। ये सब राष्ट्र की आत्मा है, राष्ट्र के लिए सेवा करने वाले संगठन है सब। ये बाबा जी यहाँ पर आ रहे हैं तो ये पतंजलि हम सबका है, देश का है। और मैं वापस मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में इस बात को कह रहा हूं, पतंजलि का एक रुपये स्वामी रामदेव को नहीं चाहिए, आचार्य बालकृष्ण को नहीं चाहिए। पतंजलि का जो भी प्रॉफिट होगा वो 100% आपकी सेवा के लिए, असम की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए होगा 100%। तो खूब सबने इतना श्रद्धा भक्ति से सेवा किया है। और मैं थोड़ा सा कि देखिए 90 दिन की बात, क्योंकि असम मतलब लाहे लाहे नहीं होगा, तेजी तेजी होगा। तो अभी उसके लिए मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। ये हमारे श्रीराम जी कहाँ गए, श्रीराम जी आ जाओ, ये इंजीनियर साहब है हमारे, ये अमेरिका आदि देशों में रहे, इनकी एज पूछो कितनी है, ये 78 के हैं, परंतु ये आदमी 22 साल का जवान से ज़्यादा काम करता है, ये सबके लिए उदाहरण है। इसी तरह से संत बहादुर जी इधर आ जाओ, ये दूसरे ये भी बहुत IIM IIT वगैरह से पढ़े हुए व्यक्ति हैं, ये काम करेंगे। तीसरा ये रविंद्र चौधरी जो है हमारा यहाँ पर, ये चौधरी हमारा पूरा अस्तर ये अभी लगा हुआ है, ये हमारे सारा डॉक्यूमेंट वगैरह लेते हैं। और भाई मुकुल ग्रामकर मानव ये लोकल है, ये काम कर रहा है इन सबके सहयोग के लिए, उदय हमारा इधर ये लगा हुआ है। और संगठन के रूप में ये भाई राकेश जी जिनके नेतृत्व में सभी भाई बहन और आश्रम के हमारे श्याम शंकर जी इधर लगे हुए हैं, और साथ साथ ये राय जी इन्होंने पतंजलि के अभियान को शुरू करने में पूरा योगदान दिया, और साथ में हमारे ये नारायण जी भी इधर है, ये भी बहुत सहयोग कर रहे हैं, साथ में ये प्रवीण जी बहुत सेवा कार्य रहता है सबको, और साथ साथ में आप सभी भाई बहनों का बहुत हृदय से सारे मेरे महिला प्रभारी, सारे मेरे युवा प्रभारी, और सारे हमारे इस पूर्वोत्तर असम के जितने भी युवा भाई बहन हैं जिन्होंने इन थोड़े से समय पर एक चमत्कारिक और पूरा ऐतिहासिक, तो ये सामान्य बनाने के बाद बेचने वाला काम विवेक जी भी, राजा जी भी यहाँ पर हैं। तो अब मैं भाई हजारिका जी से निवेदन करूंगा, आप अपना वंदन गीत गाते रहें और आप बैठे रहेंगे थोड़ी देर, गीत का श्रवण करते रहेंगे। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ लोकल शिलान्यास का कार्यक्रम करेंगे। भाई हजारिका जी You are the one who is the one.